भारत में मुंबई हमलों के साजिशकर्ता डेविड हेडली और उसके सहयोगी तहुर हुसैन राला के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी प्रशासन से किया अनुरोध। जनवरी से पहले दोनों के प्रत्यर्पण के लिए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने अमेरिकी विदेश मंत्री हेडली क्लिंटन को लिखा खत। गुजरात के दूसरे चरण के मतदान के लिए 95 विधानसभा सीटों के लिए 1374 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन पत्र, इनमें से 1083 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए। मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और महंगाई को मिला है बढ़ावा और आम आदमी के हितों से हुआ है कुठाराघात। गुजरात प्रदेश कांग्रेस ने मोदी पर पलटवार करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी गुजरात की भोली भाली जनता के सामने राज्य की सही तस्वीर पेश करने के बजाय सिर्फ वर्गलाने में लगी है। कांग्रेस 18 जनवरी से जयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का करेगी आयोजन। पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा, शिविर में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की होगी समीक्षा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजनाओं पर होगा विचार विमर्श। सरकार ने कहा कि वह अगले हफ्ते संसद में FDI पर बहस के दौरान इसके फायदे के साथ साथ विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी सवालों का देगी जवाब। इस बीच भाजपा ने राष्ट्रीय हित में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से FDI के खिलाफ मतदान करने की अपील। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि FDI पर फीमा की अधिसूचना के लिए संसद के सिर्फ एक सदन से ही मंजूरी जरूरी। कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते मुगर रोड कर दिया गया है बंद, इससे इलाके के स्थानीय व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है काफी नुकसान। अफगानिस्तान के जलालाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सेना के शिविर में हुए श्रृंखलाबद्ध विस्फोट में कई आतंकवादी मारे गए, अफगानिस्तान सुरक्षा बल का एक सैनिक भी हुआ शहीद, तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। मिस्र में नए संविधान के मसौदे पर 15 दिसंबर को होगा जन्मसंग्राम, राष्ट्रपति मुर्सी ने संविधान सभा के सामने किया ऐलान, जो पहले ही इस मसौदे को दे चुकी है मंजूरी। सीरिया के ज्यादातर इलाकों में टेलीफोन और इंटरनेट सेवा 2 दिन ठप रहने के बाद कल से फिर से हुई बहाल। देश में संचार तंत्र ठप किए जाने के सवाल पर विद्रोही और सेना एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। आज घोषित हुए आधिकारिक नतीजों में कुवैत की 50 सदस्यों वाली संसद में अल्पसंख्यक शिया समुदाय ने पहली बार हासिल किया बहुमत, विपक्ष ने इस चुनाव का किया था बहिष्कार। जापान की राजधानी के करीब आज मोटरवे सुरंग के धस जाने से उसके अंदर 5 लोगों के फंसे होने की आशंका। ऑस्ट्रेलिया में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने लगातार दर्ज की 2री जीत। आज खेले गए अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4-2 से हराने में कामयाबी पाई। महाराष्ट्र के पुणे शहर में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय पुणे मैराथन का किया गया आयोजन। इस मैराथन का मुख्य आकर्षण रहे इथियोपिया और कीनिया से आए धावक। रेस में भारत सहित कुल 15 देशों के प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा।